कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। राहुल गांधी आज अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने के साथ साथ लद्दाख की अलग अलग जगहों पर युवाओं से बातचीत भी करेंगे। राहुल गांधी लद्दाख के LSE का दौरा करेंगे। वहीं इसी बीच अब राहुल गांधी BJP और RSS पर जमकर हमला हुए। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि संविधान पर हमला करने और अपने लोगों को संस्थागत ढांचे के प्रमुख हिस्सों में रखने का RSS काम करती है। क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए। हर संस्थान में RSS अपने लोगों को रख रहा है। RSS के लोग ही सब कुछ चला रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि असल में वो अपने मंत्रालय को खुद नहीं चला रहे, बल्कि RSS द्वारा नियुक्त उनके OSD चला रहे हैं। इन्होंने कुछ ऐसा ही परिदृश्य बना रखा है, वो हर संस्थान में सब कुछ चला रहे हैं। लद्दाख में राहुल फुटबॉल मैच में हुए शामिल। राहुल गांधी ने लेह में युवाओं से किया सीधा संवाद। BJP RSS पर लगाया संविधान पर हमले का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में अलगाववाद के मुद्दे पर युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनके सवालों के जवाब दिए। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश में कुछ राजनीतिक लोग नफरत का माहौल बना रहे हैं। अगर आप भारत में चले जनता के बीच जाएं तो वहां पर आप देखेंगे कि एक दूसरे के लिए लोगों में प्यार है, सम्मान है। राहुल ने कहा कि जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, जो हमारे देश की स्ट्रेंथ है, उसको लोग बहुत गहराई से समझते हैं। साथ ही मुझे लोगों के बीच जाकर बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। अलग अलग राज्यों में हम गए, हजारों लोगों से बातचीत की। देश के मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इन सभी मुद्दों पर ज्यादा बात नहीं की जाती है। या तो नफरत की बात होती है या ऐश्वर्या राय शाहरुख खान की चर्चा होती है। देश के मुख्य मुद्दों पर बात ही नहीं होती। इसी के साथ लद्दाख में राहुल गांधी स्पिट्यूक टीम और स्पिट्यूक के 11 टीमों के बीच हुए फुटबॉल मैच में भी शामिल हुए। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित भी किया। पार्टी नेताओं के मुताबिक, बता दें कि राहुल गांधी 25 अगस्त तक अपने लद्दाख दौरे के दौरान शनिवार को डुमरा घाटी का दौरा करेंगे और रविवार को वो पैंगोंग त्सो झील का दौरा करेंगे। राहुल गांधी अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। साथ ही इसके बाद राहुल गांधी कारगिल जाएंगे और वहां एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे और अपनी यात्रा के दौरान वो लद्दाख के लोगों से बातचीत भी करेंगे।